नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। मेरा नाम शैलेश कुमार है, मैं 25 साल की उम्र है मेरा, और मैं बिहार छपरा से हूँ। लगभग मुझे 6 साल से पेट के प्रॉब्लम है। मैंने हर जगह दिखाए, कलकत्ता में 2 बार जाकर 2018-19 में जाकर दिखाए। एक बिग हॉस्पिटल है सियालदे के पास में ही है, वहाँ हम दिखाए। माधरचोद डॉक्टर वो सब डाकूटर है, डॉक्टर नहीं है, सब लूटा। और एक और सरकारी हॉस्पिटल है, पता नहीं आर्जिकल है, वहाँ हम दिखाए, हम कहीं ठीक नहीं हुए। फिर बनारस में हम गए, बनारस में गए, वहाँ पे दिखाए, छपरा पर दिखाए, पटना दिखाए। मेरे पास लगभग 30-40 से ज़्यादा कॉपी है अल्ट्रासाउंड का, सब नॉर्मल है। और LFT टेस्ट है, CT स्कैन है, टोटल ब्लड काउंट है, बहुत सारा टेस्ट है मेरे पास। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, सब निकाल कर रखे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं टेस्ट, लेकिन देख लीजिए वहाँ सब पड़ा है टेस्ट मेरे पेज पे, देख लीजिए सब टेस्ट है वहाँ। और ये राम अवतार शर्मा कुछ लूट लिया साला मुझे भी बहन, जो GSP वाला है ये सब लूटा है सब बहन चुद मुझे। फिर मैंने बनारस में दिखाया, बनारस में दिखाए तो वहाँ बोला IBS है, IBS है, तो दवा ववा दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं, ज़िंदगी नरक सा हो गया है मेरा तो। जैसे दिमाग हर वक्त चलता रहता है, सुसाइड करने का मन करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, हर दफ़ सोते मन करता है, सोते रहें, लेटे रहें, कब्ज रहता है पेट में, बाथरूम जाए तो क्लियर बाथरूम नहीं होता है, लगता है कि और होगा थोड़ा। और बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा सिम्टम, हेयर फॉल्स हो जाता है, नींद नहीं अच्छा लग रही, नींद तो लग, इतने साल में मुझे नींद और खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस ख़त्म हो गया है, इंजॉय जो होता है लाइफ से इंजॉय ही नहीं रह गया है। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कर लिया जीवन में, कुछ नहीं बचा है मेरे लिए। फिर IBS वो बनारस वाले डॉक्टर मुझे बताए, डाकूटर बताए मुझे, डॉक्टर है साला सब बताया कि IBS है, तो भाई इलाज करो, मुझे ठीक करो, नहीं हुआ हम वहाँ ठीक। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पर सर्च मारा कि IBS क्या है, तो बहुत सारा वीडियो आया, बहुत सारा वीडियो को मैंने देखा, और रमोतर शर्मा सब चुतिया वाला वीडियो मैंने देखा बहन चुन लोगों को। और फिर मैंने एक विकास भैया जो वो उनके हम बात जब सुने, जितना सिम्टम वो बताए भी उस वीडियो में बताए, सब मुझे मुझसे मिलता जुलता था। तो हम सोचे, बहुत सोचने के बाद, बहुत कंफ्यूज होने के बाद मैंने कॉल किया 2 महीने बाद भैया से बात करने के लिए। भैया कॉल किए, बोले कि रेट इतना है, तो उतना मेरे पास पैसा नहीं था, तो फिर मैंने आज कहीं से पैसा जोड़ कर उनको पे किए हैं हम पैसा। और भैया से उम्मीद है कि मुझे बहुत जल्दी ठीक करने को, वो सब जानते हैं कि क्या है होता है इसमें, वो गुजरे हैं, वो जो बताए हैं पता नहीं, एक डॉक्टर नहीं बता सकता है जितना उनके पास नॉलेज है, जितना चीज़ बताए हैं। तो सब मेरे अंदर ऐसा होता है, लगता है भैया मुझे बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। ठीक होने के बाद हम फिर एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के बीच, तब तक बस विकास भैया की बहुत बहुत, मुझे जल्दी से ठीक कर दे विकास भैया, अब इसमें झेला नहीं जा रहा है, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे भैया, बचा लो भैया मुझे प्लीज़ भैया। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।